नंबर फाइव पे सर जो आपकी फिल्म है वो है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा इसका क्या मौजू था और इसने कितनी कामयाबी हासिल की? अल्लाह रखा के हवाले से कुछ बताइए। अल्लाह रखा क्या क्या आप माजी में ले जाते हैं मुझे और क्या क्या बातें याद करा रहे हैं। ये फिल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत यूसुफ खान साहब की वजह से बनी। उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने हर आर्टिस्ट को मजबूर किया कि काम करो। तीसरे रोज़े हमने ये फिल्म शुरू की थी अल्लाह रखा, और ईद पे फिल्म लगनी थी। 26-27 दिन थे और शोर था कि 29 रोज़े होंगे। अगर 29 रोज़े होते तो हमारी फिल्म ना लगती, प्रिंट ही ना निकलते। उस वक्त बड़े स्लो प्रिंट निकलते थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। 30 रोज़े हो गए, हमें 2 दिन और मिल गए। एक दिन मिल गया, एक रात मिल गई, फिर एक दिन मिल गया। आधा 3 बजे फिल्म लगती थी, उस वजह से हमारे प्रिंटिंग पूरी हो गई और फिल्म लग गई। तो अल्लाह रखा भी एक यादगार फिल्म है कि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी मसरूफ़ अंजुमन बेगम, इतने मसरूफ़ राय साहब, लेकिन सब लोगों ने टाइम निकाला और 27 दिनों में हमने ये फिल्म बनाई जिसका नाम अल्लाह रखा था। और ये वहाँ पे लगी मुबारक सिनेमा में, और ये भी अपने वक्त की सुपर सुपर हिट फिल्म। और इसमें यूसुफ खान साहब और राय साहब, अंजुमन, ये तीनों इस फिल्म में मौजूद थे। जी, तीनों इस फिल्म में थे और बड़ा अच्छा इनका कम्बिनेशन बना उस फिल्म में, और खूब मज़ा भी आया। दिन रात हम स्टूडियो में रहे, घर गए हैं, कपड़े बदल के आ गए हैं, नहा कर आ गए हैं, तो दूसरे सेट पे चले गए हैं। इधर जा कभी बागम दौड़ में लगे रहे तो फिल्म बनी, और फिर अल्लाह ताला ने सुपरहिट कर दी।